मिस्टर टैकबुल की अल्कोहल सीरीज में आप वाइन, वोडका और बियर बनते देखकर थक चुके हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि आज की अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम आपके लिए लाए हैं नेचुरल वाइन, यानी कि ताड़ी बनने के फुल प्रोसेस को। तो कमर की पेटी बांध लीजिए शानदार सफर के लिए। ताड़ी निकालने की शुरुआत होती है अपने हथियारों को धार लगाने से, जिसमें शामिल है इनकी ये तेज छुरी, जिसकी मदद से पेड़ पर चढ़ने के बाद पेड़ पर अपने हाथ की कलाकारी दिखाते हैं। हथियारों की लिस्ट में अगला नंबर आता है इन दोनों अलग अलग साइज के बेल्ट को चेक करने का। इनमें से बड़ा वाला बेल्ट ताड़ी निकालने वाले लोग पेड़ से होते हुए अपनी कमर पर बांध लेते हैं, और छोटे वाले बेल्ट को ये अपने पैर में कुछ इस तरह से फंसाते हैं। ये दोनों ही बेल्ट बेशक अलग अलग जगह बंधे हुए हैं, लेकिन इनका एक ही काम है, वो है पेड़ पर जबरदस्त ग्रिप बनाकर रखना, जिससे किसी भी टाइप का कोई हादसा ना हो जाए। इन सब के अलावा ताड़ी निकालने वाले आदमी को पेड़ पर चढ़ने पर इतनी महारत हासिल होनी चाहिए कि उसे देखने के बाद एक पल को बंदर भी शर्मा जाए, क्योंकि ताड़ी कोई छोटे मोटे पेड़ों से नहीं बल्कि ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है, जिसका तना इतना लंबा और पतला होता है कि इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर ताड़ी निकालने वालों के पास एक साइकिल होती है, और इसी साइकिल पर वो ताड़ी जमा करने वाली मटकी, छुरी और बेल्ट को लटकाए रखता है। इसी साइकिल की मदद से पूरे एरिया में घूम घूम कर ताड़ी जमा करता है। साइकिल लेकर जब ये किसी ताड़ के पेड़ के पास पहुंचते हैं, तभी अपने पुरखों से सीखी पेड़ पर चढ़ने के टैलेंट को बाहर लाते हैं, क्योंकि इन पेड़ पर चढ़ना किसी ऐरे गहरे का खेल नहीं होता। इसलिए अब वो अपनी साइकिल से बंधी अपने ब्रह्मास्त्र को निकालते हैं, यानी कि उन्हीं स्पेशल बेल्ट को जिसे अपनी कमर से लगाते हैं, और ताड़ के लंबे पेड़ को अपने बेल्ट से जोड़ते हैं। इसी के साथ पैरों के लिए भी एक अनोखी किस्म की बेल्ट होती है, जिसे दोनों पैरों में लगा लेते हैं। फिर ताड़ वाला इन दोनों बेल्ट की मदद से ताड़ के पेड़ पर ताड़ी निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद ये आदमी ताड़ के पेड़ की डालियों को छीलता है। तने को एक अनोखे तरीके से छीला जाता है, ताकि ताड़ के पेड़ का पानी, जिसे ताड़ी कहा जाता है, वो इकट्ठा हो सके, जिसके बाद ये उसी पेड़ में एक मोटी सी मटकी भी सेट कर देते हैं, ताकि ताड़ी उसी बर्तन में जमा होती रहे, क्योंकि तने से ताड़ी धीरे धीरे निकलती है, लेकिन जिस मटकी में पहले से ही ताड़ी जमा हो चुकी होती है, उस ताड़ी को निकालने के बाद ये आदमी अपनी कमर में लटके हुए डब्बे में सारी ताड़ी को रख लेता है, और फिर नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, जहाँ लोग ताड़ी का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे होते हैं। नीचे आने के बाद ताड़ी वाला इसे अच्छे तरीके से फेंट लेता है, जिसके बाद यह ताड़ी पीने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। हालांकि ताड़ी को पेड़ से निकालने के तुरंत बाद पीने से ये बहुत ही हेल्दी होती है, लेकिन पेड़ से उतारने के कुछ दिन बाद जब इसे पिया जाए तो ये बहुत ही अल्कोहलिक बन जाती है। ताड़ी के बारे में इतना सब जान लेने के बाद अब बारी आती है ताड़ी निकालने वाले की जिंदगी के बारे में जानने की। इसे लोग सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले बहुत सी स्टेट की सरकार ने ताड़ी निकालने को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जबकि उन स्टेट्स में शराब धड़ल्ले से बिक रही है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत ही खराब कंडीशन से गुजर रही है, क्योंकि जैसे ही ये ताड़ी निकालते हैं पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।